उड़द की दाल है जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगोकर रखा था, और उसके बाद इसको ग्राइंड कर इसका पेस्ट बनाया। पेस्ट बनने के बाद इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रखा था, उसके बाद यह जलेबी के लिए बैटर रेडी है। ये ग्राइंड किया हुआ 2 कप है। ये 1 1/3 कप मैदा, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर। तो आइए अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर जलेबी का बैटर रेडी करते हैं। जलेबी का बैटर बनाने के लिए जलेबी का इंग्रेडिएंट्स एकदम करेक्ट होना चाहिए। मैदा, बेकिंग सोडा, फूड कलर, अभी सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये बैटर मेरा थिक है। बाजार की जैसे हलवाई के स्टाइल की जलेबी घर पर बनाने के लिए बैटर को सही होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना फेटेंगे जलेबी उतनी अच्छी कुरकुरी बनेगी। ये ऑलमोस्ट बैटर मेरा रेडी है। बैटर रेडी है, अब इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए ये मैंने एक पैन में 2 कप पानी और इसमें 3 कप चीनी डाला है। अभी इसमें फ्यू सैफ्रन का थ्रेड डालूंगी और इसे बॉयल होने दूंगी। इसकी हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। इसको कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। अब मैं इसमें ज़रा सा रोज पेटल्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, बस मैंने अच्छी खुशबू लाने के लिए इसको डाला है कि चाशनी में एक अच्छी से खुशबू आएगी। केसर के साथ में ये रोज पेटल दोनों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। लाते रहेंगे जब तक कि इसके 1 तार की चाशनी ना बन जाए। ये देखिए मेरे चाशनी बन गए हैं। ये देखिए 1 तार बन रहे हैं, एक पतली सी तार बन रही है दोनों उंगलियों के बीच में। इससे ये पता चलता है कि चाशनी रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं जलेबी को फ्राई करूंगी। मीडियम हीट पर अब मैं जलेबी को फ्राई कर रही हूँ। ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए जलेबी फ्राई करने के लिए। मीडियम हीट पर जलेबी को फ्राई करेंगे तभी जलेबी जो है कुरकुरी बनेगी। पर हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे और फ्राई होने के बाद तुरंत ही निकाल कर शुगर सिरप में 30 से 40 सेकंड के लिए डिप करेंगे। हमेशा जलेबी बनाने से पहले और जलेबी को फ्राई करने से पहले शुगर सिरप को रेडी रखिए, क्योंकि शुगर सिरप ठंडा होना चाहिए। गर्म शुगर सिरप में अगर आप जलेबी डालेंगे तो डालते ही जलेबी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अच्छा कुरकुरा और क्रंची जलेबी बनाने के लिए शुगर सिरप हमेशा ठंडा होना ज़रूरी है। देखिए सब हल्की ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसको तुरंत ऑयल से निकाल कर डायरेक्ट शुगर सिरप में डालूंगी। 30 से 40 सेकेंड इसको डिप करेंगे शुगर सिरप में, उसके बाद जलेबी को निकाल लेंगे। ये देखिए मैं शुगर सिरप में डालकर जलेबी को निकाल रही हूँ। गर्मा गर्म जलेबी तैयार है। देखिए मैं दिखाती हूँ ये कितना क्रंची बने हैं। देखिए इसकी आवाज़ से पता चलता है कि जलेबी कितना क्रंची